सो वेलकम फ्रेंड्स टू माई न्यू व्लॉग। आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ अगेन पिथौरागढ़, जहाँ पे मैं आपको 2 साल पहले ले गया था वाया पवनहंस सर्विस की जो हेलीकॉप्टर सर्विस स्टार्ट हुई थी। बट फ्रेंड्स वो कुछ ही टाइम चली, उसके बाद वो बंद हो गई। उसके बाद सभी लोग वेट कर रहे थे कि कब दोबारा से एयर सर्विस स्टार्ट होगी, एंड फाइनली आज वो दिन आ गया है जबकि फ्लाई बिग एयरलाइंस की सर्विस जो है अभी स्टार्ट हो चुकी है देहरादून से पिथौरागढ़ एंड बैक टू पिथौरागढ़ से देहरादून। सो आज हम उसी में चलेंगे एंड देखते हैं कैसा सफ़र रहता है, क्या सब कुछ होता है, क्योंकि बहुत ही मेसमराइजिंग व्यू तो होता ही है जब हम पहाड़ों में बाई एयर ट्रैवल करते हैं, तो अलग ही मज़ा होता है। सो फ्रेंड्स बने रहिए इस व्लॉग में एंड चलिए हम चलते हैं एयरपोर्ट में देहरादून। वंस अगेन फ्लाई टू पिथौरागढ़। पिछली बार हम चॉपर से गए थे एंड दिस टाइम विद फ्लाई बिग एयरलाइंस। देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। ये है 10:30 बजे टू पिथौरागढ़ फ्लाई बिग इन टाइम है ना यार, है ना। टू भी चलेगा मेरे साथ। चलो मेरे साथ, आप भी चलो, आप भी चलो, आप भी चलो, पारी कर दो। कब जाओगे आप? जी जा रहे हो क्या? आप भी जा रहे हो? आप भी चलोगे कि बाद में जा रहे हो? नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम। सो फ्रेंड्स बोर्डिंग पास हमें मिल चुका है, अब हम सिक्योरिटी चेक इन के लिए जा रहे हैं। बट अभी कह रहे हैं कि विजिबिलिटी थोड़ा सा कम है, बट जैसी विजिबिलिटी ठीक होती है वैसी ही फ्लाई करेगा एयरप्लेन। ये अभी एयरपोर्ट थोड़ा बड़ा हो रहा है, तो ऊपर जो फर्स्ट फ्लोर है यहाँ पे देख सकते हैं काम चल रहा है। सो बड़ा एयरपोर्ट बनाने की तैयारी है। सो फ्लाइट डिले है तो हमने सोचा हम एयरपोर्ट लॉन्जी एक्सेस करते हैं यहाँ पे, और ये मैंने आपको कार्ड्स भी दिखाए हैं जहाँ जहाँ से मुझे एक्सेस हो जाता है। तो मुकेश और अंकुश हम फ्लाईबिग के थ्रू हम मज़े लेते हुए यहाँ पे एयरपोर्ट लॉन्जे का फ्लाइट डिले है तो हम रहे हैं अपना टाइम यहाँ पे सो गाइज गुड मॉर्निंग एंड कैसे हैं आप सब लोग? आई विश सब बढ़िया होंगे। एंड आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ पिथौरागढ़, जहाँ पे मैं आपको पहले भी ले गया था अराउंड टू ईयर्स बैक। मतलब आप लोगों को मैंने हेलीकॉप्टर में आपको एक व्लॉग बनाया था और बहुत ही अच्छा रिस्पॉन्स मिला था उसका मुझे, और थैंक यू सभी को उसके लिए। एंड आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे फ्लाई बिग की एयरलाइंस स्टार्ट हो चुकी है टू पिथौरागढ़, और इसका जो अभी रेंट रखा है इन्होंने खाली 1999 रखा है, मीन्स 2000 रुपीज़ रखा है। और अभी देखते हैं, वैसे वो डिमांड एंड सप्लाई की वजह से फ्लक्चुएट भी करता है प्राइस, बट नेवरदलेस कि बहुत ही टाइम बाद, मतलब 2 ईयर्स से ज़्यादा तो मुझे हो गए वेट करते करते। सो अभी एयरप्लेन चला है फ्लाईबिग का, सो बहुत ही थैंकफुल हैं हम कि मतलब हमें जो डिस्टेंस, मतलब अगर बाय रोड जाओ तो 12 से 14 घंटे लगते हैं, या मतलब अगर अपनी गाड़ी में जाएंगे आप तो 10 से 11 घंटे लगते हैं। बाकी बहुत ही मतलब रिलीफ है, मतलब अगर आप यहाँ से मुश्किल से 1.25 घंटे की फ़्लाइट है 1 hour and 15 minutes की, सो बहुत ही ज़्यादा रिलीफ है। मतलब आप 1.15 hours में आप पिथौरागढ़ पहुँच जाओगे, 600 किलोमीटर की डिस्टेंस आप पूरी कर लोगे। सो बस आई विश कि मतलब ऐसी फ़्लाइट ये डेली चले। अभी वीक में 3 डेज चल रही है, मंडे ट्यूसडे एंड फ्राइडे। सो अगर किसी को बुक करना हो तो वो टाइम से बुक कर ले, कि ये है 16-17 सीटर है, सो बहुत जल्दी फुल हो रही है। सो बाकी अभी आप मेरे व्लॉग में आगे बने रहिए, फिर मैं आपको घुमाता हूँ पिथौरागढ़ वाया एयरप्लेन फ्लाईबिग फर्स्ट टाइम। चलिए हमारा बोर्डिंग होते हुए
टू पिथौरागढ़ फ्लाईविक। अंकुश रावत है हाँ। और मैम से तो जान पहचान भी हो गई है। बिल्कुल बिल्कुल मैम। कैसी आपको ये यात्रा लगी? और इसके बिल्कुल मैम, मैं तो पूरा इसका बनाऊंगा अच्छे से। ठीक है, थैंक यू मैम, थैंक यू। ओहो थैंक यू। देखिए फ्लाई बिग ने ये भी दिया है मुझे, सो थैंक यू मैम, थैंक यू, हैव अ सेफ लैंडिंग। थैंक यू मैम। देखिए हमें ये भी दिया गया है रिफ्रेशमेंट के लिए, बिकॉज थोड़ा लेट हुई फ्लाइट, बट हम तो इतने एक्साइटेड हैं कि चल रही है फ्लाइट, हमें लेट से भी कोई दिक्कत नहीं है। सो ये है फ्रेंड्स फ्लाईबिग का एयरप्लेन जो हमें लेके जाएगा पिथौरागढ़। एकदम फ्रेंडली है, सारे ब्लॉगर्स ही लग रहे हैं मुझे, आप लोग भी, मैं भी करता ही हूँ ब्लॉगिंग वगैरह, सब एक्साइटेड हो रखे हैं। आप लोग उधर से ही हैं? हाँ, पिथौरागढ़ से ही। पिथौरागढ़ से ही। अरे वाह यार, अरे तीन साल तो मुझे हो गया यार, मतलब मैं तो डेली पूजा करता था कि भाई उड़ेगी फ्लाइट, हमें मौका मिला जाने का। वैसे डिले मतलब कैंसिल होने वाला था? अरे नहीं यार, कैंसिल हमने इतना वो कर रखा था, प्रार्थना कर रखी थी भगवान से। चलो, डर भी लग रही है, अभी नर्वसनेस हो रही है, फर्स्ट टाइम है। तो फ्रेंड्स पहाड़ों में जैसे कि आप सभी जानते हैं इतनी खूबसूरती है, लोग जगह जगह से आना चाहते हैं, बट ड्यू टू सो मच मतलब प्रॉब्लम है, क्योंकि इतना एक्सेसिबल नहीं है, कन्वीनियंट नहीं होता आना, इस वजह से लोग इतनी खूबसूरत जगह को विजिट नहीं कर पाते। जैसे पिथौरागढ़ में आप देख सकते हैं कि आदि कैलाश, ओम पर्वत और आपका मुंशियारी जैसी बहुत खूबसूरत जगह है, बट अब क्या होता है कि 14-15 घंटे की यात्रा करके जब आदमी वहाँ पहुँचता है तो वैसे ही वो इतनी थकावट हो जाती है कि हर किसी के बस की बात नहीं होती कि उसके बाद भी वो मतलब आगे जाके घूमे। सो अगर ये एयरप्लेन स्टार्ट होता है, रेगुलर सर्विस इसकी दी जाती है, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर लोग अपना आराम से ईजिली यहाँ पर आएंगे एक घंटे में देहरादून दिल्ली से, एंड उसके बाद वो अपना आराम से गाड़ी बुक करके या अपना, अभी धीरे धीरे कह रहे हैं चॉपर भी, हेलीकॉप्टर भी चलने वाला है मुंशियारी साइड, तो वो भी सब कर सकेंगे, तो वो सभी के लिए बहुत ही बढ़िया होगा, अपने स्टेट के लिए और अपने यहाँ के लोगों के लिए। एंड फ्रेंड्स इसमें आप एयरप्लेन के अंदर खड़े नहीं हो सकते सीधे, क्योंकि एयरप्लेन की हाइट कम है, एंड कॉकपिट का डोर ओपन है तो इंजन का शोर बहुत है, इसलिए आप कान में अपने मतलब कॉटन वगैरह लगा सकते हैं। भाई फ्लाइट में कॉल भी आ गया, फ्लाइट में कॉल आ गया, सिग्नल आ रहा है। वैसे तो प्लेन में 17-18 सीट्स हैं, बट ये अभी ये 10 पैसेंजर्स अप्रॉक्स ले जा रहे हैं जैसे कि बता रहे थे ये, क्योंकि अभी सेम फ्यूल के साथ ये देहरादून टू पिथौरागढ़ एंड पिथौरागढ़ से बैक देहरादून आ रहे हैं। लैंड कर गए फिर, वेरी नाइसली स्मूथ लैंडिंग, लैंडेड इन नैनी सैनी पिथौरागढ़ फाइनली, और बहुत ही स्मूथ और हैप्पी लैंडिंग सभी के लिए। यहाँ पे सभी ने बहुत अप्रिशिएट भी किया कैप्टन एंड पायलट साहब को, क्योंकि बहुत ही स्मूथ लैंडिंग रही, कोई दिक्कत नहीं आई, बिल्कुल बिल्कुल पता ही नहीं लगा, ऐसा लग रहा थोड़ा और टाइम लगता और एंजॉय करते हाँ बिल्कुल, और आंटी ने तो बहुत एंजॉय किया, मजा आ गया मतलब है। पिथौरागढ़ से लगा नहीं एकदम कि कब पहुंचे हम पिथौरागढ़, एक घंटे हमने ऐसे एंजॉय किया एकदम मस्त मस्त। बाकी आप अभी देखोगे आप तो हुए हैं तो भाई थैंक यू। चलो अंकल से भी मिल गए।
एनी सैनी एयरपोर्ट फ्लाईविग। सो फ्रेंड्स, हम पहुंच गए पिथौरागढ़ और बहुत ही बढ़िया एक्सपीरियंस था फर्स्ट टाइम इस छोटे से जेट में बैठने का। ऐसा लग रहा था जैसे हम किसी बस में बैठे हों, एयर बस में छोटी सी। तो मज़ा आया खूब। एंड बाकी आपको अगर पिथौरागढ़ के और व्लॉग्स देखने हो तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप देख सकते हैं और इंजॉय कर सकते हैं और प्लान कर सकते हैं पिथौरागढ़ में घूमने का। सो अभी फ्रेंड्स बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में जल्दी।